नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मी राठौर चैनल पे आपका मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूँ। और अभी हम भंडूरा परिक्षेत्र में आए हैं और ये हम इसकी वीडियो दिखा रहे हैं 0118 की। मेरे भाई कुछ शिकायत करेगी 0118 वेरायटी, CO 0118 जो यहाँ की करनाल की वेरायटी है वो होती नहीं पेड्डी उसकी व्यवस्था। तो आज पेड्डी व्यवस्था भी 0118 की हम देख लें, बोर्ड की तो हम लोग बना लें। अब किसान भाई के पास में चल रहे हम। देखो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना परिचय करा दे एक बार। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम कुशलवीर, पिताजी का नाम श्री वीरपाल सिंह, गांव भंडूरा और जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये आपका जो वैरायटी है 0118 है, कब बोई थी आपने? अब तो पेड्डी आपके पास पेड्डी जी है, तो पिछले बार बोया था। क्या लिखा है इसका? लिखा तो जी इसका 80 क्विंटल के लगभग आता जी बोर्ड का। तो जी 80 के लगभग और पेड्डी चलो बड़े, किस टाइम की कटी हुई थी ये? 15 मार्च से बाद में कटी थी जी। 15 मार्च से बाद में कटी और सिंपल मेथड है ये? ये ऐसी कटी हुई जी पेड़ी है, करीबन 10 अप्रैल के आसपास। 10 अप्रैल के आसपास कट गई थी, सारे खेत खाली हो गया था। 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच की है। तो सिंपल है ये जंगल, कैसी आपकी जमीन है? ये पक्की जमीन है। अच्छा, पक्की जमीन में, इसमें तो भोगी बहुत बढ़िया फूटकार है जी। और गन्ने बढ़िया गिर गया वैसे? यहाँ गिर गया जी, बारिश में गिर गया था। जड़ से कटी हुई पेड़ी है। हाँ जी। इसमें घास होगा था, किसी कोई खोदने नहीं आया, ऐसे ही बहा के मिट्टी चढ़ा कर छोड़ दिया था। हाँ जी। कुछ नहीं करा, खाद दवा कर दी थी, एक स्प्रे करी सिर्फ और खाद डाल दिया था। कुछ एक बार स्पेशल डोज दी थी क्या कोई? कुछ नहीं, एक बार यूरिया डाला हुआ और कुछ नहीं। इसमें बढ़िया बन गई, बढ़िया बन का अपना आप ही देखो, ट्रिलिंग देख लो आप किस तरीके से ट्रिलिंग है। नहीं ट्रिलिंग बढ़िया, गन्ने बहुत बढ़िया बन गए, गन्ने की मोटाई भी ठीक है। हाँ नहीं, डाइपोटास वगैरह कुछ दी थी? नहीं कुछ नहीं, अलग ही दिख रहा जी, अलग ही दिख रहा। पोटास तो हमने जब से महंगा हुआ हाँ जी तब से पोटास तक गेरना हमने बंद कर दिया था। हम तो डाई डालते हैं हर साल। अब बीमारी वगैरह कोई दिखी ना? कोई बीमारी नहीं किसी तरह की। तो मिट्टी वगैरह चढ़ा दी थी आपने? मिट्टी बहुत जरूरी चढ़ा दी थी। तो ये तो मुझे अभी भी अच्छा लग रहा। क्या लिखा मान रहे अभी इसका? गन्ना तो बहुत लग रहा है इसमें। हमारा अंदाजन हम जो कर रहे हैं इसका ज्यादा नहीं 65 से 70 क्विंटल का एवरेज। इतना तो जी मजे में होगा। और ये तो मुझे लग रहा है पोगे मोड़ ले, लिकड़ लिकड़ आ रही है, तो चौबरसी भी कर लो। हाँ जी, क्योंकि चौबरसी पेटी तक तो मैंने खुद देखी है। मैंने खुद देखो, गन्ने की लंबाई देखो जी, 10-12 फुट जा रही है ऊपर की तरफ। थोड़ा सा देखो, अलग ही है। पूरी है मोटा ठाड़ा गंडा बजनी और घोड़ा भी बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट टाइम बढ़ाओगे आप इसे? तिवर्सी करोगे इस पर? फिर वो बढ़िया पेटी ठीक। अगली बार ट्रंच वगैरह सब होगे? कितने भी मोटे रेत में बो दो वहाँ भी बढ़िया, वहाँ भी बेहतरीन होगा। देखो जी कितनी किफायती वैरायटी है। तो भाई कल को नुना कहियो जी 0118 की पेड्डी नहीं होती, अभी और भी दिखाऊंगा ट्रंच के भी आपने जरूरत। तो ठीक है किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।